हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो गाइस प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये कहता है कि अरे लिस्ट इंटरनली यूज़ करता है डायनेमिक अरे का एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए, वहीं लिंक लिस्ट इंटरनली यूज़ करता है डबली लिंक लिस्ट का एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये कहता है कि अरे लिस्ट का जो मैनिपुलेशन है वो स्लो होता है, क्योंकि ये इंटरनली यूज़ करता है अरे का, और अरे में जब हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मेमोरी में शिफ्ट होना पड़ता है। वहीं लिंक लिस्ट का जो मैनिपुलेशन होता है वो अरे लिस्ट से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करता है और यहाँ पर मेमोरी में कोई शिफ्टिंग की नीड नहीं होती है जब हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। तब आगे बढ़ते हैं और थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर अरे लिस्ट में जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है वो इनएफिशिएंट होता है, वहीं लिंक लिस्ट जो होता है उसका जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है वो अच्छा माना जाता है। फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो अरे लिस्ट जो है वो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, वहीं लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये सिंगल, डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकता है। जो फिफ्थ डिफरेंस है उसकी अगर हम बात करें तो अरे लिस्ट का जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो स्लो होता है, वहीं लिंक लिस्ट का जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो फास्ट होता है। जो सिक्स्थ डिफरेंस है उसकी अगर हम बात करें तो ये क्लास लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती है, तो इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होगा। वहीं लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये लिस्ट इंटरफेस और DQ इंटरफेस दोनों को इम्प्लीमेंट करती हैं, तो इसका जो बिहेवियर है वो लिस्ट और DQ दोनों की तरह होगा। चलिए आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंसेस को समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।